नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G84 versus Vivo T3 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो G84 में 6.3 इंच जबकि T3 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो G84 में 2.93 इंच जबकि T3 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो G84 में 0.3 इंच जबकि T3 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि G84 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो G84 में 166.8 ग्राम जबकि T3 5G में 185.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि G84 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो G84 में PoLED जबकि T3 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो G84 में 6.55 इंचेस जबकि T3 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400px FHD जोड़ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो G84 में 87.01% जबकि T3 5G में 86.83% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो G84 में 402 पिक्सेल प्रति इंच जबकि T3 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो G84 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और T3 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो G84 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और T3 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो G84 में Adreno 619 जबकि T3 5G में Mali G610 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो G84 में Qualcomm Snapdragon 695 और T3 5G में MediaTek Dimensity 7200 मिलता है। बात करें RAM की तो G84 में 12GB की RAM मिलती है, जबकि T3 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो G84 में 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि T3 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो G84 में Android V13 जबकि T3 5G में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो G84 में 3 कलर्स जबकि T3 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो G84 में 1 ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें T3 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस, 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Moto G84 में 6 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo T3 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में G84 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में T3 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Narzo 60X 5G है, दूसरा Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition है, तीसरा Tecno Camon 20 Avocado Art Edition है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Motorola Edge 40 Neo 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।